को पटना में जगह जगह पर प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। हमें आर ब्लॉक पर हम लोग को रोक लिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ आए कि नहीं आए, हम लोग कहना ही है लड़ करके लेंगे। हम लोग चाहे जैसे 15 साल नीतीश बताएं, के पाठक बताएं कि आज आईएएस टॉपर कहते हैं, तो बताइए कि आज यूपीएससी निकाल लेंगे। गठबंधन की सरकार को भी अगला चुनाव में एक एक मत देकर जाति पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर इनको सत्ता से दूर करने का काम करेंगे और यह आंदोलन रुकेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज पटना के सड़कों पर शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, जहां देख सकते हैं कि तमाम शिक्षक हैं वो एकजुट हो रहे हैं और आज विधानसभा घेराव करेंगे। आज आप लोग सड़क उतर गए हैं जी, आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं जी। जी, पहले से घोषणा कर दिया गया है कार्यकर्ताओं को विधानसभा घेराव होगा। कहाँ से आए हैं? बक्सर से। बक्सर से जी। बक्सा से घर बार छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं जी, अपनी मांग पूरा करने के लिए, करवाने लगता के लिए। है सरकार मांग पूरा करेंगे? अब देखिए सरकार सोचे, हम लड़ कर लेंगे। लेकिन आप लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की टीम तो पूरी आपको यहां से जाने बढ़ने भी नहीं देगी। वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, प्रशासन अपना कर्म कर रही है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कहाँ से आए आप? बक्सर से। अभी बक्सा से आए जी, क्या लगता है आपकी मांग पूरा होगा? एकदम पूरी होगी। आज लाखों की संख्या में आप लोग अधिकार है, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और राज्य कर्मी का दर्जा हमारा अधिकार है और हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। आज इतने संख्या में सड़क पर उतरे हैं तो क्या लगता है सरकार? हम लोग लेकर रहेंगे, विधानसभा के खिलाफ करने उतरे हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों को तो गर्दनी बाग से बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। होने कर अपना काम करें, हम अपना काम करें, अपना काम करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाठीचार्ज भी होगा, होने दीजिए, हम लोग तैयार हैं। देखिए हम लोग को पटना में जगह जगह पर प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। हमें आर ब्लॉक पर हम लोग को रोक लिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ आए कि नहीं आए, हम लोग कहना ही है लड़ करके लेंगे। हम लोग चाहे जैसे 15 साल नीतीश बताएं, के पाठक बताएं कि आज आईएएस टॉपर कहते हैं, तो बताइए कि आज यूपीएससी निकाल लेंगे। 20 साल नौकरी करने के बाद और कहिएगा परीक्षा लेने के लिए तो कौन निकाल लेगा बताइए? नीतीश कुमार इंजीनियरिंग का परीक्षा पास कर लेंगे, ये सीधा अन्याय है और सरकार को ये मांग मानना ही है। बिल्कुल, और बिहार के टीचरों के साथ सदा हमेशा से अन्यायपूर्ण ये नीति रहा इन लोगों का, शिक्षकों के प्रति कभी सहायता नहीं किया इन्होंने, सिर्फ से शिक्षकों का शोषण हो रहा है। एक विषय, तीन विषय का एक टिकट टीचर बना करके कई तरीकों से सरकार शोषण कर रही है। SST तीन विषय का एक टिकट में 300 दिखाती है नीतीश कुमार सरकार। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, हम लोग पहले जब पढ़ते थे हमारे यहाँ फिजिक्स के अलग अलग टीचर होते थे, केमिस्ट्री के अलग टीचर होते, अब ये अपॉइंट करते हैं साइंस टीचर के नाम पर। शिक्षा नीतियों का ये कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं, न शिक्षकों का साथ देते हैं, न पूर्ण वेतनमान है, न कोई सरकार का हम लोग का मंशा है कि आगे से हम लोग को सरकार कुछ सोचेगी। इसलिए आज हम लोग आंदोलन, पूरे बिहार के टीचरों ने आंदोलन पर उतरने का यह निश्चित किया है। क्या 2024-2025 के भी चुनाव में आपका रंग दिखेगा? सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग CM बनाए थे, हम लोगों के सहयोग से PM बन जाए, लेकिन राजकर्मी का दर्जा दे दे। देख सकते हैं कि क्या कुछ कहना है तमाम शिक्षक का, उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने मांग को लेकर आज सड़क पर उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से कहें तो प्रशासन की टीम है जो जगह जगह पर मौजूद है, और वहीं बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी मांग लेकर रहेंगे। लेकिन यही देख सकते हैं किस तरह से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम शिक्षक हैं वो एकजुट हो दर्जा दिया जाए, और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, और यही देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम शिक्षक हैं वो सड़क पर ही बैठ गए हैं। जिस तरह से कहें तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से हैं सर? कहाँ से आप छपरा। छपरा से। हाँ। आज पटना के सड़क पर उतरे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम शिक्षक हैं वो सड़क पर ही बैठ गए हैं, और इनका साफ तौर पर जो मांग है वो राजकर्मी की मांग है। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? छपरा से आए। छपरा से सड़क पर बैठ गए जी, और सड़क पर बैठे हैं और यह तय करके बैठे हैं कि यह जो शिक्षक विरोधी सरकार है, या तो हमारी लंबित जायज मांग को देने के लिए बाध्य होगी, नहीं तो अगला चुनाव में
जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हसर हमने जो ने किया था जाति पार्टी या धर्म से अलग हट करके, इस गठबंधन की सरकार को भी अगला चुनाव में एक एक मत देकर जाति पार्टी या धर्म से ऊपर उठकर इनको सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। और यह आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांग को सरकार मान नहीं लेती है। आंदोलन के अगले चरण में पूरे बिहार में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उत्तर माध्यमिक के विद्यालयों तक तालाबंदी होगी। हम लोग अनवरत इस आंदोलन को चलाएंगे, या नहीं कि आज आंदोलन यह करके हम लोग चुप बैठने वाले हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है हम आंदोलनरत हैं और रहेंगे। आप लोग आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे लेकिन आपको प्रशासन यहाँ से बढ़ने भी नहीं देगा, कैसे देख रहे हैं? अभी तो मैंने उनका कार्य है अपना कर रहे हैं, हम लोग तो मतलब अपना कार्य कर रहे हैं, अपना मांग लेकर रहेंगे। क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरा होगा? बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी निश्चित मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो 24-25 में बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे, पता चलेगा उनको कि 24-25 में क्या होने वाला है। अच्छा ये बताइए, शिक्षक है जो विद्यालय में अच्छा लगता है आज सड़क पर है, जिस तरह से आज क्या कहिएगा सर, आज लोग आप लोग सड़क पर है विद्यालय छोड़कर? निश्चित तौर पे विगत 20 वर्षों से हम बिहार सरकार की यातना को झेल रहे हैं। हमने शिक्षा का बहुमूल्य धरोहर बच्चों में दान दिया है और अनवरत बच्चों को शैक्षणिक माहौल में जागृत करने का काम किया है। बिहार की सरकार ने हमारे साथ जो दोरंगी नीति अपनाई है पिछले 20 वर्षों से, जो हमारा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है उसको रोकने का प्रयास किया है और हमको बंधुआ मजदूर बनाई है, अब ये उसका कारगुजारी चलने वाला नहीं है। बिहार की सरकार या तो नेस्तनाबूद होगी या हम लोग अपने आप को समाहित कर लेंगे, सर में कफन बांध के निकले हैं, या तो विजय होगा या तो मरण होगा। चलिए तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सर पर कफन बांध दिए हैं, अगर या तो हमारा विजय होगा या सरकार का। लेकिन जिस तरह से कहें तो जो तमाम शिक्षक है इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और वहीं देख सकते हैं कि किस तरह से आज पटना की सड़कों पर तमाम शिक्षक हैं वो उतरे हुए हैं और पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एकजुट हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पटना के जगह जगह पर मौजूद हैं और इन्हें यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तमाम खबरों को बने रहे निश्चित इन्फॉर्मेशन के साथ, नमस्कार।